इस खबर के प्रायोजक है बेस्ट क्वालिटी केक के लिए फेमस बेकर्स। नमस्कार, मैं संदीप कुमार, आप देख रहे हैं सच की आवाज टीवी न्यूज। एक बार फिर एनसीपी के नेता द्वारा लगाए गए फिरौती के मामले में एक नया मोड़ ले लिया है। विशेष तौर पर आपको बता दें कि जिसके ऊपर आरोप लगाया गया था, आज उन्होंने हमारे चैनल से वार्तालाप किया और कई बड़े खुलासे किए। क्या कहा फिरौती के मामले में, जिस तरह से हम आपको बता दें कि एनसीपी के नेता जाहिद शाह ने हमारे चैनल से वार्तालाप करके उन्होंने कहा कि 50,000 रुपये जो है फिरौती के तौर पर मांगे जा रहे हैं, एक कंप्लेंट जो कि धारा 326 को हटाने के लिए, जिसको लेकर हमारे चैनल की टीम ने जिनके ऊपर आरोप लगाया गया उनसे बातचीत की तो उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। क्या माजरा है जिस तरह से देखा जाए, एनसीपी के जो जाहिद शाह है उन्होंने एक आरोप लगाया है कि खंडनी का कुछ मैटर आप लोगों के ऊपर है, जो कि फिरौती मांग रहे थे, क्या माजरा उसके बारे में क्या खुलासा करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम सर, ऐसी बात है कि 5 तारीख का टाइम था, 5 तारीख को इसने मेरे नाम का FIR किया, इसके ऊपर 326 बैठा था, कंप्लेंट हुआ था। ये लोग ने ऐसा मैडम का फ्लैट कब्जा कर रहे थे, खाली करा रहे थे, कोई अनवर निर्माण है उनके बोलने पे, तो इसके ऊपर केस हुआ 326 का। इसने भाग गया, वो मैटर में भाग गया ये। उसके बाद इसने गुजरात से मेरे को फ़ोन किया, बोले भाई ऐसी सी बात है, आपने आपका नाम आया कि आप ऐसा मैडम से बात करके मेरा केस हटाइए ये सब चीज़ से। तो मैं बोला क्यों हटाए, आपका तुम्हारा जब इसमें कुछ लुकआउट नहीं था, तुमको यहाँ रहना चाहिए, तुम भागे क्यों? तो बोले यार मेरे को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, मुझे ज़बरदस्ती बोले फंसाया जा रहा है। तो मैं बोला यार ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है तो ठीक है, मेरा दोस्त तू भी है भाई, मैं दोस्ती के हिसाब से मैं सामने बात करता हूँ। तो बोले ठीक है बात कीजिए। बोले मैं भाई पैसा देने के लिए भी तैयार हूँ, 50,000 रुपया तक मैं देने के लिए तैयार हूँ। सामने से ऐसा बोला गया? हाँ, सामने से ऐसा मेरे को बोला गया, फ़ोन करके उसने मेरे को बोला है कि मैं 50,000 रुपया देने के लिए तैयार हूँ, समझे। इसके ऊपर 6-7 केस है सर, 6-7 केस है, इसमें से 326 का 2-3 केस है। सेशन से इसने जामीन भी 2-3 मरतबा लिया है, ये गुंडागिरी कर रहा है मोहल्ले में घूम घूम के। उसके बाद ये कैसा है, अभी हमारे ऊपर कंप्लेन कर रहा है, हमने इसकी मदद करना चाहा कि इसका केस ख़त्म करो, आपस की बात है। ये अनवर निर्माण के बोलने पे जाके जो मैडम है राष्ट्रवादी की, उनके ऊपर हाथ छोड़ा, उनके आदमी के ऊपर हाथ छोड़ा, उनके घर से बाहर निकाला उनको, समझे, यहाँ तक का इसने किया। और उसके बाद हमारे ऊपर खोटा खोटा केस ये बैठा रहा है। नहीं, उसके पास एक रिकॉर्डिंग है, उसके अंदर रिकॉर्डिंग के अंदर जो है पैसे की लेन देन की बात की गई है, तो 50,000 रुपये में से उन्होंने 2,000 रुपया दिया, तो 2,000 रुपये क्या खुला? नहीं सर, 5,000 रुपये मेरा उसके ऊपर बाकी है, मेरा दोस्त था, लिया था उसने। जब इसने भागा वहाँ से तो मैं उसका फ़ोन लग नहीं रहा था, मैं उसको लगा रहा था, तो इसने मेरे को फ़ोन किया, मैं बोला भाई मेरा पैसा तो दे दे। तो बोले भाई देखो मेरा ऐसा ऐसा एक मैटर है, वो आप ख़त्म करा दो, मैं आपका ही पैसा दे दूंगा, मैं उनको 50,000 रुपये अपने तरफ से दूंगा। सामने से बोला गया? हाँ, उसने सामने से बोला 50,000 रुपये, ये जाहिद ने बोला। अच्छा, पहले ये उसमें था एनसीपी में, इसमें था MIM में, अब ये पार्टी चेंज करके राष्ट्रवादी में गया है। अच्छा, तो इसने ऐसा ऐसा मुझे बोला, तो मैं सामने से बात किया, सामने वाले ने सामने वाले को मारा पीटा गया है, ये घर में घुस के अनवर निर्माण से पैसा लेके सामने वाले को मारा, घर से बाहर निकाला। नहीं, ये तो मैटर हो गया, ठीक है मारा मारी की, लेकिन जिस तरह से फिरौती की बात आ रही है, फिरौती की बात में क्या सच्चाई है सर? देखो ये है झूठा एक नंबर का, ये फिरौती लेके खुद काम करता है, ये फिरौती लेके इनका घर खाली कराएगा, उनको मारेगा, ये गरीबों को मारेगा, इनके ऊपर 7-8 केस आप पूरा लिस्ट चौकी से निकाले। ये बोले सेक्शन मेरा कुछ सपोर्ट नहीं करता, सेक्शन जो सही रहता है उसका सपोर्ट करता है। ये सारी चीज़ मालूम होने के बाद कि वो आदमी ये सारे मतलब विरोध के काम करते हैं, तो आप उसके समर्थन में उतर रहे, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से आपने खुद कहा कि वो बहुत सी जगहों पर घरों में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, फिरौती देते हैं, तो ऐसे आदमी का आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? अभी कैसा सर, आप हमारा दोस्त है, वो उसके हिसाब से उसने मेरे को बहुत रिक्वेस्ट किया, मेरा घर द्वार है, मैं घर द्वार से बेघर हो जाऊंगा सर। ये सारी बातें का मतलब आपके पास कुछ प्रूफ है? हाँ प्रूफ है ना सर मेरे पास, हाँ प्रूफ है मेरे पास। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मुझे यही कहना है, इसने जो भी बात बोला है सब झूठी बोला है, हम जो है हम एकदम हर जगह से क्लियर हैं, हम कोई खोटा काम नहीं किए, इसकी हिस्ट्री निकालो और हमारे हम कोई कुछ चीज़ में खोटे हैं नहीं। इनके ऊपर 6-7 केस है, ये अपना तड़ी पार ख़त्म कराने के चक्कर में, तो जिनके जो जो इनमें केस किया उनको उनको ये पैसा दे के केस ख़त्म कराना चाहते हैं अपना। लेकिन अभी ऐसा मैडम रायबर और ये साहिद भाई ये लोग नहीं माने ये बात से।
ये बात बोले कि वो लोग ने ऐसा खोटा किया, आगे घर में तोड़ फोड़ किया, हम लोग केस वापस नहीं लेंगे। तो ये दूसरी जगह क्या आपने पुलिस का दरवाजा खटखटाया इस सारी बातों को लेकर, उनकी सूचना आपने पुलिस स्टेशन में दी कि नहीं? मुझे मालूम नहीं था, मुझे ये जब ऐसा किया ये चौकी पे गया हमारे नाम की कंप्लेंट करने, जब हमको मालूम पड़ा। अब ऐसा पूछा तो हम भी पुलिस चौकी जाएंगे। जाहिर शाह का कल हमारे पास एक इंटरव्यू आया, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि 50,000 रुपए की फिरौती मांगी गई है, क्या माजरा है आपके पास, इसकी क्या जानकारी है? सरासर गलत आरोप है। पुलिस स्टेशन में जो है हमें फ़ोन आया था, मैं और रहबर वहाँ पुलिस स्टेशन में गए भी थे, तो इन भी किस मतलब जांच पड़ताल, हाँ जांच पड़ताल के दौरान जो है वह उस मेरे को बैठाया गया था, जाहिद भी वहाँ पे आया हुआ था। तो जो वहाँ पे जो इंचार्ज थे पवार साहब, उन्होंने जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनसे पूछा भाई क्या है प्रूफ जमा करो, वो जमा उमा नहीं कर पाया और वो टाल मटोल के निकल गया। नहीं तो 50,000 रुपये की जो बात आ रही है इसके पीछे क्या माजरा है, क्या 50,000 रुपये की फिरौती मांगी गई? नहीं नहीं सब गलत आरोप है, गलत आरोप है जी। तो ये एक मतलब देखा जाए तो कुछ दिन पहले जो एक राष्ट्रवादी की महिला कुछ महिला जो जुड़ी हुई है राष्ट्रवादी से, इनके घर पर कुछ हमले हमले हुए थे, इसके बारे में क्या जानकारी, उसी घटना को लेकर जो है ये फिरौती की बात आ रही है? जी हाँ, मैं भी मुझे मालूम भी है, जो राष्ट्रवादी की महिला कार्यकर्ता है उसके घर पे ये जाहिद शाह घुस के तोड़फोड़ किए थे, उसके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मारे पीटे थे, उस पर शायद 326 भी लगा हुआ है। तो ये 326 के कलम को हटाने के लिए पता जाएगी फिर आरोप लगा रहा हूँ? हाँ शायद वो ऐसा चाह रहा हो कि मैं ऐसा करूँ तो मेरे साथ में मेरा ये हो जाए, मतलब इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, क्या कहेंगे कि जिस तरह से इस तरह 50,000 की बात जो है बार बार निकाली जा रही थी? हाँ वो एक्चुअली कैसे ना उस पर बहुत ज़्यादा केस है, वो शायद उसका तड़ीपार का मामला है, तो वो सब इसके लिए कर रहा होगा अपने तड़ीपार बचाने के लिए। बेकर्स प्राइड दी केक शॉप जहाँ पा सकते हैं चीज एंड मूस केक्स, ब्रेड्स, कुकीज, मफिन्स, वेज नॉन वेज पास्ता, सैंडविचेस, बर्गर, पिज्जा एंड मच मोर। हम देते हैं ताज़ा और बेहतरीन चीजें और साथ ही होम डिलीवरी की सुविधाएं भी। एड्रेस शॉप नंबर G6 बागे यूसुफ रेसिडेंसी, चाविंदा नाशिक हाईवे B1D।